પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આપણા ગુજરાત દોરાના દૂજે દિન અમદાવાદમાં કર્યા રોડ શો. પ્રધાનમંત્રી અઠે રાષ્ટ્રીય રક્ષા વિશ્વવિદ્યાલયની નવી બની ઇમારતને બી કર્યા રાષ્ટ્રને સમર્પિત. પ્રદેશમાં દાંડી માર્ચની વર્ષગાંઠ ઉપલક્ષમાં રાખ્યા જઈ રહ્યા હે ન્યારા ન્યારા કાર્યક્રમ. જયપુરમાં રાજ્ય સ્તરીય કાર્યક્રમ તહેત કાઢીગી પદયાત્રા. સીમા સુરક્ષા બળ જોધપુર આ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રમાં રાખ્યા ગયા દીક્ષાંત જલસામાં નવા પ્રશિક્ષિત જવાનાને કેન્દ્રીય જલ શક્તિ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત દિરાઈ શપથ. પ્રદેશભરમાં કર્યો જઈ રહ્યો હે રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન. રાજસ્થાન ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં રાલસા સંરક્ષક ન્યાયાધીશ એમ એમ શ્રીવાસ્તવ કર્યા લોક અદાલતનો શુભારંભ. જયપુર આરાધ્ય ગોવિંદદેવજીરા મંદિર સમેત ન્યારી ન્યારી ઠોરા માતે માચી ફાગોત્સવની ધૂમ. બ્રજરા હોળી ગીતારા ગાયન અર મંચન રસ સાથે લોક કલાકાર દે રહ્યા હે મનભાવણી પ્રસ્તુતિયા. નમસ્કાર, સિંજા 5 બજારી રાજસ્થાની ખબરામાં આપ સૌ ઘણું ઘણું સ્વાગત. મેં હું અશોક વ્યાસ ઓરફ ખબરા વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આદિના ગુજરાત રા દોરા માતે હે. આજે આપણા દોરા રે દૂજે દિન પ્રધાનમંત્રી અહેમદાબાદમાં રોડ શો કર્યા. એણ દોરાનું વણારો ભવ્ય સ્વાગત કર્યું ગયું. પ્રધાનમંત્રી અઠે મોજૂદ લોગારો અભિવાદન કર્યા. પ્રધાનમંત્રી એણ પછી રાષ્ટ્રીય રક્ષા વિશ્વવિદ્યાલયની નવી બની ઇમારતને રાષ્ટ્રને સોંપ્યા. સાથે વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત જલસાને બી સંબોધિત કર્યા. रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ. प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी. बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन मनन शिक्षा ट्रेनिंग होगी वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे. आज जो छात्र छात्रा यहां से पढ़ करके निकल रहे हैं उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज एक और पावन अवसर है. आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी. अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था. પ્રદેશમાં દાંડી માર્ચની વર્ષગાંઠ મોકે વિશ્વ શાંતિ કાનીસું બઢતા કદમ તહેત આજ પદયાત્રા સમેત ન્યારા ન્યારા કાર્યક્રમો આયોજન કર્યો જઈ રહ્યો હે. જયપુરમાં રાજ્યસ્તરીય કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા માથે માલ્યાર્પણ કર પદયાત્રાને હરીઝંડી દેખાડ રવાના કર્યા. दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा. मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है. हमें भी
गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं। दौसा जिला में भी दांडी मार्च दिवस माते शांति मार्च जन कल्याण यात्रा रो आयोजन करो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामखिलाड़ी मीणा इन यात्रा ने हरी झंडी दिखार रवाना कराया। जिला प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति कानीसू राखी गई इन यात्रा रा जरिया सू जन जन ने महात्मा गांधी रा सिद्धांता ने जीवन में उतार बारो संदेश दियो गयो। अहिंसा के जो है योगदान गांधी जी का है उसको प्रेरणा का काम करेगा और उसकी यादगार में आज यहाँ आनंद स्कूल से गांधी सर्किल तक हुआ है और गांधी जी के माल्यार्पण करके कार्यक्रम एडीएम साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम 12 मार्च को गांधी जी जो हमारे जो सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का वो था दांडी मार्च स्टार्ट किया था उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजित किया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दांडी मार्च निकाला गया था उसके महत्व को दिखाता है कि कोई भी शासन अगर कोई गलत नीतियां बनाता है तो विनम्रता से उनका विरोध करके उनकी अवमानना करके भी जो है वो शासन को उनका उसका आईना दिखाया जा सकता है और उसी जीत का प्रतीक है। लोगों के अंदर जो भय की भावना थी अंग्रेजों के प्रति वो इस दांडी यात्रा से मिटी थी। झुंझुनू जिला में भी दांडी यात्रा री वर्षगांठ माथे गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला परिषद रा साझा तत्वावधान में विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम थीम माथे पदयात्रा काढ़ी गई। पदयात्रा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ झंडी दिखार रवाना कराया। पदयात्रा में एनसीसी कैडेट्स स्काउट्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शिरकत करी और आम लोगों ने गांधी दर्शन रा सिद्धांतों से रूबरू करायो। समुद्री नमक बनाने पर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को दांडी मार्च की शुरुआत की गई जिसका समापन 6 अप्रैल 1930 को हुआ और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत थी और उसके कारण से अंग्रेजों को जो नमक कर था उसको हटाना पड़ा और भारतीयों में एक जागृति पैदा की और किसी गलत कानून का विरोध करने के लिए किस तरह से अवज्ञा की जा सकती है तो देश को आज़ाद कराने के लिए नींव का काम जिस आंदोलन ने किया वो दांडी मार्च था। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए वो दांडी मार्च था। दांडी मार्च से एक देश में विशुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ जिसे बच्चा बच्चा जुड़ गया। नमक पे जो कर अंग्रेजों ने लगाया था उसके विरुद्ध गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा उस दांडी मार्च की शुरुआत की आज वर्षगांठ है। बूंदी जिला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दांडी मार्च समेत कई आयोजन किया गया। दांडी मार्च ने तहसीलदार सत्यनारायण झंडी दिखार रवाना कराया। मार्च में भेड़ा लोग शहर का न्यारा न्यारा मार्गों से होता हुआ आम लोगों ने स्वच्छता रो संदेश भी दिनो। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो दांडी यात्रा थी उसके 150 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बूंदी शहर में आज़ाद पार्क से कलेक्ट्रेट तक चेतना रैली निकाली गई है जिसे गांधी जी के आदर्शों को आम जनता को से संदेश द्वारा अवगत कराया जा सके। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर प्रशिक्षण केंद्र में आज दीक्षांत जलसा रो आयोजन करो गयो। इन जलसा में बीएसएफ रा 408 आरक्षित जवाना ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शपथ दिलाई। इनसू पहले वहाँ परेड की सलामी लीनी और नुआ प्रशिक्षित जवाना रा प्रशिक्षण दौरान प्रदर्शित कराया गया न्यारा न्यारा पहलवान ने देखा। भारत में जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल जिस मुस्तैदी के साथ में सीमाओं की सुरक्षा पर प्रथम पंक्ति के रूप में डटा है और अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी जिस मुस्तैदी के साथ में डूटे हैं इसके साथ साथ में जब पीस के समय में विभिन्न संवैधानिक ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए मे बी इट इज़ इलेक्शंस और जो है किसी तरह की आपदा के समय में जिस तरह से इन सभी पुलिस बलों ने काम किया है ये निश्चित रूप से ऐसी एक परंपरा देश में कायम की है जिससे प्रेरित होकर के नवारक्षक जो है वो अपने इस जीवन की यात्रा में प्रवेश करते हैं और आज जिस तरह से जिस इफेक्टिव रूप से परेड इन्होंने की है निश्चित रूप से सभी को उसने प्रभावित किया।
परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र उल्ला प्रशासन शहरों के संग अभियान रे तहत झुंझुनू में न्यारा न्यारा कामारो जायजो लीनो और कई विकास कामारो लोकार्पण भी कराया। वणा नगर परिषद कानेसू दिया जा रहा पट्टा वितरण शिविर में लाभार्थियों ने पट्टा भी बांटा। इन मौका में वणा कहा कि सरकार हर खेतर का विकास खातर कृतसंकल्पित है। सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 में शहरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी और उसमें कई तरह के कामों को जनता के करने का राज्य सरकार ने ऐलान किया। वो सोच व्यक्त की और उसके अनुसार कई कदम भी उठाए। उस दिन हमने कुछ लोगों को पट्टे दिए थे, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई जो प्रशासन गाँव में सज अभियान है उसमें काफ़ी सुधार किया गया और कोरोना की लहर भी उसमें एक आ गई थी, अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण रा तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों आयोजन करो जा रही है। जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और रालसारा संरक्षक एम श्रीवास्तव ईरो शुभारंभ कराया। लोक अदालत खातर उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में 7 और जोधपुर मुख्य पीठ में 5 बेंचारों गठन करो गयो है, जबकि प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालत में 1047 बेंचारों गठन करो गयो है। जयपुर में 3815 और जोधपुर में 1936 मामला ने रेफर करो गयो है। दौसा जिला में राखीड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत में इन बार राजस्व उपभोक्ता और ट्रिब्यूनल रा मामला भी जोड़ा गया। दौसा जिला में लोक अदालत खातर 26 बेंच गठित करी गई है। इनमें 18,072 प्रकरण की सुनवाई करी जा रही है। बेंचों का गठन किया है जिसमें राजीनामे के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। पूरे जिले में कुल 18,424 प्रकरण हमने चिन्हित किए हैं जिनका हम निस्तारण राजीनामे से करेंगे और प्रत्येक तालुका स्तर पर बेंचों का गठन किया गया है जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारी राजस्व अधिकारी कार्य कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला में भी विधिक सेवा प्राधिकरण दफ्तर में लोक अदालतों आयोजन करो गयो। जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास समेत दूजा न्यायाधीश लोक अदालत रो उद्घाटन कराया। इन लोक अदालत में 20,000 मामला सुनवाई खातर रखा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। आज 12 मार्च को इस निर्देश के साथ गंगानगर में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत की खास बात यह है कि इस बार रेवेन्यू अदालत जो मुकदमे हैं उनको भी हमारी लोक अदालत में शामिल किया गया है। स्थायी लोक अदालत और कंज्यूमर लोक अदालत जो है कंज्यूमर के केसेज है वो भी इस लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। महिला दिवस माथे नई दिल्ली सू शुरू भी सीमा भवानी शौर्य अभियान सशक्तिकरण सवारी काल देर सिंजिया बीकानेर पुगी, जठे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी महापौर और BSF रा एहलकार रेली रो स्वागत कराया। इन दल में भारतीय सीमा सुरक्षा बल री 36 महिला मोटरसाइकिल सवार भेड़ी है। सीमा भवानी टीम रे कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु चिरोई रसारू आ रेली कन्याकुमारी सू चेन्नई ताई देश रा खास खास शहरों सू होर गुजरेली। इन रेली रा जरिया सू महिला सशक्तिकरण रो संदेश दियो जा रियो है। सीमाएं सुरक्षित तो देश सुरक्षित, देश सुरक्षित तो इसके नागरिक सुरक्षित। मेरी टीम 8 मार्च को वुमेन्स डे के उपलक्ष में नई दिल्ली से चलकर कन्याकुमारी तक को होते हुए चेन्नई तक ये रैली जाएगी। इस रैली का नाम शौर्य एक्सपीडिशन है। इसके थ्रू हम मैसेज ये देना चाहेंगे जनता को कि कोई भी इंसान अपने आप को कम ना आके हर फील्ड में हर क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, बस उसके अंदर कमी है तो उस लगन की उस चिंगारी की वो जल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक मैसेज है अपने आप में कि देखिए इंसान वर्ड है वो परफेक्ट होता है, जेंडर मैटर नहीं करता है। जब हमारी बहनें और पुरुष भाई दोनों ही सीमा पे तैनात रहते हैं तो फ़र्क कहाँ दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता। तो मैं यही कहूँगी कि एज अ वुमेन आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इनके बीच आके, और एक महिला सशक्तिकरण, महिला सबल बोलूँ मैं, महिला मजबूती बोलूँ, सब एग्जाम्पल आज मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आज जो सीमा भवानी दल बीकानेर में BSF के हमारे कैडेट BSF के जवानों का महिला जो हमारी सदस्य है उनका जो दल आज बीकानेर आया है, ये महिला दिवस के अवसर पर ये दल रवाना हुआ
और इनका जो उद्देश्य है उस इनसे हमें जो प्रेरणा लेनी चाहिए समाज को और देश को कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटियों को शिक्षित करना है। बेटियां कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बेटी का, माँ का, बहन का परिवार में जितना योगदान है उससे ज़्यादा हमारे देश के विकास में योगदान हो सकता है। गर्ल्स जो है वो एनफील्ड चला रही है, आप देखिए एनफील्ड जो है काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है। और बीएसएफ की जो सीमा भवानी ने अभी जो मोटरसाइकिल जाबाज ने इन्होंने जो 26 जनवरी में प्रदर्शन किया, पूरा देश पूरा दुनिया उनको दुनिया ने देखा। खबरें और भी है पर पहले एक छोटा सा विराम। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। तो दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं, वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम रे पचे खबर में एक फेर हूँ आप सब रो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रा मौका माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजस्थान री बतुल बेगम ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित कर। पुरस्कार वना ने भारतीय लोक संगीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच माथे ले जावा और पिछाण दिरावा खातर दियो गयो है। जयपुरी रहवासी बतुल बेगम मांड भजन और लोक गीता री गायकी में खास पिछाण राखे है। बतुल बेगम राजस्थानी लोक धुनारे साथ तबला, ढोलक और ढोल जेड़ा वाद्य यंत्रा ने भी बखूबी बजावे है। वना लोक बैंड क्लेजमर री सदस्य भी है। वना ट्यूनिशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली और बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते भारतीय लोक संगीत रो प्रदर्शन और प्रचार प्रसार करियो है। उत्कृष्ट प्रदर्शन रे साथ बतुल बेगम दूजा कलाकार खातर भी प्रेरणा रो स्रोत रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कानीसू वो पुरस्कार लेता तका वना खुशी जाहिर करी और प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। प्रधानमंत्री जी बात करी, बोले काई गाओ, मैं क्यों भजन भी गाऊं, माड़ी गाऊं, बोले सुनाओ। जब मैं क्यों प्यारा गजना गजानंद देवा, प्यारा गजानंद घूमड़ तड़ा घराओ मारा प्यारा गजान, प्रधानमंत्री जी ने सुनाई है। बोले हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया लागे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी के गया जरा बहुत ही या और हौसला बढ़िया का आप और आ गए बढ़ना सीखा चुको आज इस जगह और पूछा कटी आपनों कोई हुए बुंडो बुलो नसीब हुए तो आगे कोई सीखा तो बहुत ही बढ़िया लागो। प्रधानमंत्री जी कन बढ़िया लागो और राष्ट्रपति जी कन बहुत ही बढ़िया लागो और आगे और तान का भाई सीखो ऐसा कि मतलब शक्ति आगे बढ़ाती रहे। राष्ट्रीय स्तर माता पुरस्कार मिलवासू बतुल बेगम रा शोहर फिरोज समेत वना रा दूजा परिजन भी खुशी जताई। वना कहो के ओ पुरस्कार परिवार साथ वना सु जुड़िया लोक कलाकार ने भी प्रेरित करेलो। आपने उनकी कला को रिकग्नाइज किया है एंड फाइनली उनकी जो आर्ट है वो लोगों तक पहुंच पाई है। यूरोप की इनकी जो जर्नी रही उसके अंदर इन्होंने यूरोप की इनकी जो जर्नी रही वो पेरिस से स्टार्ट हुई एंड उसके बाद इन्होंने होली हो, दिवाली हो और भी कई सारे इंडियन फेस्टिवल्स उनके अंदर इन्होंने परफॉर्म किया और अपनी कला को देश विदेश तक लेकर गई। फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, ये इन्होंने हर यूरोपियन कंट्री में अपनी परफॉर्मेंस दी है और अपने इंडियन कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया है। ये अपनी इच्छा जाहिर करती थी कि मुझे ये करना है तो मैंने हमेशा कहा आफ्टर शादी के बाद जब घरवालों के सामने सब कर सकती थी तो क्या मेरे सामने आने से मुझे क्या हक बनता है कि इसको रोकूं? तो मैंने कहा तू जिंदगी में जो भी करेगी करती जा। समाज ने कहा कि स्टेज में क्यों गा रही हो? मैंने कहा मेरी पत्नी है, मैं कहना आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए थी ना, तो मुझे तकलीफ नहीं, मैंने इसका सहयोग किया तो आगे बढ़ी, नहीं तो कहाँ बढ़ती। आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा बनी, तो उसके पति उसको रोक देते तो बनती क्या? तो हमें दूसरों को देख के आज ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए।
ईएसआई मॉडल अस्पताल जयपुर में आजादी का अमृत महोत्सव तहत नेत्र रोग से जुड़ी बीमारियों की ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी रो आयोजन करो गयो। नोडल एहलकार डॉक्टर अखिलेश जैन बतायो कि प्रदर्शनी रो उद्घाटन चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर आर पी मीणा करया। 13 मार्च तीन चलवा वाली इन प्रदर्शनी में नेत्र रोगों से बचाव रा उपाय बताबार साथ लोगों ने नेत्रदान सारू जागरूक भी करो जा रही है। आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत हम पिछले 7 दिन से कई तरह की स्वास्थ्य गतिविधियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने विभिन्न नेत्र रोगों को लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें ग्लूकोमा की जांच, आँखों में जो सूखापन आ जाता है उसका हम कैसे ध्यान रखें, और कई तरह की जो विभिन्न आँखों से संबंधित बीमारियाँ हैं उनके बारे में व्याख्यान भी हुआ, पैम्फलेट्स भी बांटे गए और ऑडियो विजुअल एक एग्जीबिशन भी हमने लगाई जिसके जरिए आम लोगों ने इसका काफ़ी फायदा उठाया। प्रदेश री सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स खातर दिया जावण वालों सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2021-22 सीनियर वर्ग में सोनल कलाल और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग ने दियो जावेलो। अशोक क्लब में राखोड़ी चयन समिति की बैठक में चयन करता अवार्ड खातर महिला खिलाड़ियों नामों की घोषणा करी। जो रहा सबका डिस्कशन और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अनाया गर्ग को अंडर 19 में हमने सिलेक्ट किया है, जिसका अनाया गर्ग के हाईएस्ट 2.5 सेंचुरी है। और सोनल कलाल को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि सोनल कलाल का इंडिया चैलेंजर में भी अभी रिप्रेजेंट रिसेंटली कर आई है और वहाँ पे भी उसने सभी मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और उसकी टीम फाइनल भी खेली है इंडिया चैलेंजर में, और फाइनल में उसका बहुत अच्छा टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तीसरा सुंदर कांति जोशी अवार्ड का जो अभी चयन समिति की मीटिंग हुई, राजस्थान के सीनियर सेलेक्टर्स थे सब, राजस्थान के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने किया है वो बहुत अच्छा सिलेक्शन है और राजस्थान की वुमेंस क्रिकेट को इससे बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से अच्छा करते रहें। और ख़ास बात यह है कि जो बच्चे लिए गए हैं वो सब यंगस्टर्स हैं, जूनियर हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है तो लड़कियों को और इससे प्रेरणा मिलेगी। सीकर जिला रा खाटू धाम में श्याम बाबा रो मेलो आपरा चरम माते है। राजस्थान सुईनी दिल्ली हरियाणा और गुजरात समेत सुदूर प्रांता सु भी घनी तादाद में भक्तगण खाटू श्याम बाबारा दर्शना खातर पूग रिया है। ठोर ठोर माते भक्तों की सेवा खातर पांडाल लगार सेवादार अपनी सेवा दे रिया है। इन बीच मेला री ठोर माते हाथा माए खाटू बाबारा निशान रो झंडो लिया लड्डू गोपाल री पाल की यात्रा काढ़ी गई। श्रद्धालुओं की घनी तादाद ने देखता तक जिला प्रशासन के साथ एनसीसी और स्काउट गाइड्स भी अपनी सेवा दे रिया है। 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर चल के आया पैदल हम, और अभी और 5 किलोमीटर चल के जाना है और फिर कहीं दर्शन होंगे बाबा के। जय श्री श्याम। भैया बाबा के दरबार में 6 साल से आ रहा हूँ और 6 साल से दिन प्रतिदिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा के जा रहे हैं। होली रो त्यौहार नेड़े आता ही प्रदेश भर में फागोत्सव री धूम मचोड़ी है। एड़ो ही नजारो जयपुर आराध्य गोविंद देव जी राम मंदिर में देख पाने मिल रही है। गोविंद देव जी मंदिर माए राखोड़ा होलिकासव जलसा माए गायक कलाकार और वादन री मनमोहनी प्रस्तुतियां सुन श्रद्धालुओं ने भावी बोध कर लिया है। ख्यातनाम कालबेलिया नृत्यांगना पदम श्री गुलाबो सपेरा काला अपनी मोहनी प्रस्तुति देर भक्तों रो मन मोह लेंगे। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा गुजरात दौरा रे दूजे दिन अहमदाबाद में कर्या रोड शो। प्रधानमंत्री अठे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय री नवी बनी इमारत ने भी कर्या राष्ट्र ने समर्पित। प्रदेश में दांडी मार्च की वर्षगांठ रा उपलक्ष्य में राख्या जा रहा है न्यारा न्यारा कार्यक्रम। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत काढ़ी गई पदयात्रा। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर प्रशिक्षण केंद्र में राख्या गया दीक्षांत जलसा में नुआ प्रशिक्षित जवाना ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिराई शपथ।
प्रदेश भर में करो जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन। राजस्थान उच्च न्यायालय में रालसा संरक्षक न्यायाधीश MM श्रीवास्तव करया लोक अदालत रो शुभारंभ। अरे जयपुर आराध्य गोविंद देवजी रा मंदिर समेत न्यारी न्यारी ठोरा माते माची फागोत्सव री धूम। ब्रजरा लोक गीता रा गायन और मंचन रे साथे लोक कलाकार दे रिया है आपरी मन भावनी प्रस्तुत। इन साथे सिंजा 5 बजे री राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।